और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कोई भी प्रोजेक्ट एक बंदे से या एक बंदी से नहीं होता है, एक पूरी टीम की मेहनत होती है. And I think that the beautiful factor of this is always going to be Sonal. And more than that, I feel that this कोई भी गाना जो है आवाज से चलती है. So without Afsana Khan, right, there is no music video, to be very honest. And congratulations to Adhya Music because this is their first. So thank you very much for opening such an incredible company and providing such incredible music. And now let's get to the song. मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो गाना है इसमें एक अरबी वाला फील जो है, आई थिंक इज़ वेरी यूनिक. द टच ऑफ इट, एक यू नो, इट्स आल्सो शॉट इन अ वेरी पीरियड वे, सो इट ब्रिंग्स अबाउट अ लॉट ऑफ यू नो एंटीक्स, द काइंड ऑफ आर्ट डिज़ाइन दैट द डायरेक्टर्स यूज्ड. सो आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट इट्स अ ब्यूटीफुल म्यूजिक एंड आई हैव एंजॉयड ट्रेमेंडसली वर्किंग विद इनक्रेडिबल पीपल एंड आई होप दैट वी गेट टू क्रिएट मैजिक इन द नियर फ्यूचर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आई थिंक ताहा ने बहुत सारे पॉइंट्स तो ऑलरेडी कवर कर लिए हैं और मैं इनसे बिल्कुल अग्री करती हूँ कि जब भी हम कुछ करते हैं, स्पेशली जब क्रिएटिवली हम एक 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 वीडियो बनाते हैं या एक फिल्म बनाते हैं, तो टीम वर्क इज़ वॉट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. एंड आई थिंक जो हमारी इस जहर मोहब्बत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो हमारी टीम थी, फ्रॉम यू नो आध्या म्यूज़िक गिविंग अस this beautiful opportunity to work on this together. The directors were incredible. They made the whole experience very very seamless and it really didn't feel like hum itne extreme conditions mein shoot kar rahe the, Registan mein shoot kar rahe the, but bahut hi acha experience raha. And Afsana ki main hamesha se fan rahi hu. I think inki awaaz bahut strong aur bahut hi unique awaaz hai. So I and jo ye song, would you compare to Adele? I would compare you to Adele. Yes, yes. You're Adele of India. Adele of India. Thank you. So, बहुत बहुत मजा आया and this is the first time Taha and I worked together. But ऐसा लगा नहीं कि हम पहली बार काम कर रहे थे. हाँ, इसमें अलग यही कोशिश रहती, जब भी कोई गाना आता है सबसे पहले वो रूह से गाया जाए, दिल से गाया जाए. इसीलिए जब हम रूह से गाएंगे तो आपके दिल को टच करेगा. तो मेरी कोशिश जितने भी गाने में गाती हूँ तो मेरी यही रहती है कि पूरा दिल दिमाग रूह से गाना है. तो बस ये जो मुझे ये टैलेंट मिला है तो वो मैं इस गाने में अपने आप को प्रूफ करती हूँ कि मुझे सब सुने और प्यार करें. तो इसमें बस अलग ऐसा कि बहुत अच्छा गाना है, मेरे भी बड़ा दिल के पास है, क्योंकि इसका जो एंड पार्ट है ना वो मोस्ट फेवरेट मेरा है. और सभी जाके यूट्यूब पे सुनिए और फिर पता चलेगा आपको. सही कह रही हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी फेवरेट पार्ट है. लिरिक्स इज वेरी अच्छा जी. मुझे म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद है. आई एम वेरी वेरी पैशनेट अबाउट म्यूज़िक और लिरिक्स एंड इमोशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी इन अ सॉन्ग. मुझे उस तरीके के गाने ज़्यादा पसंद आते हैं. एंड जब मैंने एंड अफसाना की, जैसा मैंने पहले भी कहा कि आई बीन अ फैन ऑफ हर्स, तो जब मैंने पहली बार गाना सुना उसमें जो इमोशनल हाइज एंड लोज हैं, जो लिरिक्स थे और जो एनर्जी इन्होंने डाली है, मेरे लिए सबसे पहला रीज़न वही था. और उसके बाद मुझे पता चला कि वी टुगेदर शूट कर रहे हैं उनके साथ. मैंने पहले शूट नहीं किया था, मैं भी काफ़ी टाइम से उनके साथ काम करना चाह रही थी. एंड देन दे टोल्ड मी दैट ताहा इज़ यू नो गोइंग टू बी ऑपोजिट मी. सो आई सेड दिस इज़ गोना बी यू नो अ ड्रीम टीम टू वर्क विद. एंड आध्या म्यूज़िक का ये पहला सॉन्ग है एंड ये लॉन्च इसी सॉन्ग से लॉन्च हो रहा है. सो आई वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ यू नो द बिगनिंग ऑफ द जर्नी. मैं सिर्फ यही जानता हूँ कि ऑडियंस एंटरटेनमेंट चाहती है और वेदर इट बी थ्रू ऑडियो और वीडियो, क्योंकि आजकल ऑडियंस बहुत ही क्या बोलते हैं, 20-30 सेकंड में वो वीडियो चेंज कर देते हैं. सो यू नो, सो सच अ फ्रेश वीडियो, एक जो आइडिया है वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसे ही आइडियाज वर्सेटैलिटी में. यू गाइस मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूजिक एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्टिस्ट एंड आई ऑल्सो फील दैट they're giving not only, I mean, I'm sure in the future you will give new artists opportunities, you know, and I feel that's why the audience should follow Adhya and the whole team. It's because they get to hear not only fresh music but music from independent artists in the future, fresh outlooks to different ideas, perspectives. The filming of it is going to be at really incredible locations, so I believe to get the visual entertainment and the audio entertainment, that's why
मुझे पूरा यकीन है कि ये आगे भी बहुत अच्छे अच्छे गाने आप सभी के लिए लाएंगे. तो अगर इस तरीके के सॉन्ग्स आपको पसंद हैं, सो आई थिंक आध्या म्यूजिक इज योर वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल द अमेजिंग म्यूजिक दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू. सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट. आपने देखा ही है कि इतना अच्छा काम किया है, दिल से किया सबने, तो उनका चैनल सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए गाने को, कमेंट कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्टों के साथ और एक्ट्रेस के साथ आपको गाने इस चैनल पे मिलने वाले हैं. सो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है पूरी टीम को, और ऐसे गाने अपने चैनल पे बजाते रहो और शाते रहो. ले जा बे सब खोके, ले जा बे सब खोके, पानी दी लहर मोहब्बत, यार दे हथों पीता 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 मैं जहर मोहब्बत, यार दे हथों पीता 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 मैं जहर मोहब्बत, मैं जहर मोहब्बत.